ये मैक्सलिंक का T3 एंड्रॉयड का स्टीरियो है और इसमें स्टीयरिंग लेंथ के लिए एस पर ओके करना है। एस पर ओके करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट स्लाइड करना और यहाँ कॉर्नर पर स्टीयरिंग व्हील इस पर ओके करना है। देन और जो आपके स्टीयरिंग पर लेफ्ट हैंड राइट पर स्टीयरिंग पर जो भी बटन है उसको मैच करने के लिए, सपोज़ ये वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, प्रीवियम, नेक्स्ट, ओके, आंसर, रिजेक्ट, ये सब को मैच करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट पर ओके करना है। प्लेयर में स्टार्ट पर ओके किया और यहाँ पर वॉल्यूम प्लस को दबाए रखना है और यहाँ पर टच करना है, ये हो गई। वॉल्यूम माइनस को यहाँ पर दबाए रखना है और यहाँ पर टच करना है, ये भी प्लेयर हो गई। जैसे ये प्ले पॉज का है तो यहाँ पर प्ले पॉज ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर इसको दबाए रखा, रिजर्व पर ओके करना है, यहाँ पर प्ले पॉज इस पर ओके कर देना है तो यहाँ पर प्ले पॉज इस बटन में सेव हो गई। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए यहाँ पर है, इसको यहाँ पर दबाए रखा और नेक्स्ट पर टच कर दिया, ये सेव हो गई इसमें। और प्रीवियस के लिए यहाँ पर दबाए रखा, प्रीवियस पर टच कर दिया, प्रीवियस भी सेव हो गई। ये लेफ्ट वाले का सारा बटन सेव हो गया। देन ये राइट के लिए, सपोज़ ये कॉल रिजेक्ट के लिए है तो रिजेक्ट के लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर रिजर्व की में होगा तो इसको हमने दबाए रखा, रिजर्व की को टच किया, यहाँ पर रिजेक्ट पर ओके कर देना है तो इस बटन पर रिजेक्ट सेव हो गई। देन ये आंसर के लिए, तो आंसर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इसको दबाए रखा, आंसर पर टच कर दिया, इस बटन पर आंसर सेव हो गई। देन ये ओके, ओके को मैं सेव कर देता हूँ। आप इन तीनों को एज ए रिजर्व की भी सेव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप जैसा यूज करना चाहो इसको। तो मैं ओके को मोड सेव कर देता हूँ ओके पर। तो हमने यहाँ पर ओके को दबाए रखा, मोड दे दिया। देन ये राइट का जो एरो की है इसको मैं नेविगेशन इस पर सेव कर देता हूँ, तो इसको हमने दबाए रखा, नेविगेशन पे क्लिक किया, इसमें नेविगेशन सेव हो गया। देन इस वाले एरो पर मैं बैक सेव कर देता हूँ, ये बैक सेव हो गया। इस टाइप से आप इसके सारे बटन को पेयर कर सकते हो। देन एंड पर ओके कर देना है। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये वॉल्यूम प्लस पे हमने दबाया तो वॉल्यूम प्लस हो रही है और वॉल्यूम माइनस, ये मेरा बैक बटन था तो इसको मैं प्रेस करते ही बैक का काम कर रहा है, ये नेक्स्ट का काम करेगा। वैसे भी यहाँ पर कोई म्यूजिक वगैरह चलेगी तो नेक्स्ट का काम करेगा, प्रीवियस, देन प्ले पॉज, ओके मोड का काम करेगा, ये आंसर के लिए, रिजेक्ट के लिए, ये बैक के लिए था।